हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम सभी ने रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे और हमने उनकी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ ली थी। और हमने ये भी पता कर लिया था कौन एब्सोल्यूट है, कौन एब्सोल्यूट नहीं है, मीडियम का क्या फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला नहीं है, ये सब पढ़ लिया था। आज बच्चों हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्या लेंस। हिंदी में भी लेंस ही कहा जाता है। और बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप का जो लेंस होता है बच्चों वो होता है आपका कौन सा, कन्वेक्स लेंस, और एक होता है कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद जो बच्चों आपके सामने नया टॉपिक आता है वो ये आता है कि कनकेव लेंस होता कैसा है। तो बच्चों कनकेव लेंस कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, और कनकेव लेंस कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा और कनकेव लेंस कुछ ऐसा। ठीक है, ये दोनों तरफ से उभरे हुए होते हैं और ये दोनों तरफ से गहरे होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, और इसे कहते हैं अवतल लेंस। इसे कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से बच्चों कनकेव मिरर का दूसरा नाम था कन्वर्जिंग मिरर, अब लेंस में आके इनके नाम गए हैं पलट। इनके नाम क्या गए हैं? पलट। कनकेव जब मिरर था तब इसका नाम था क्या बच्चों? जब कनकेव मिरर था तब इसका नाम था कन्वर्जिंग, लेकिन अब बच्चों ये बन चुका है, इसका दूसरा नाम बन चुका है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, जो पहले मिरर के टाइम पे डाइवर्जिंग हुआ करता था अब वो बन चुका है कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है जी, तो बस इसमें भी ऐसे ही 6 केस वगैरह ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें आप कन्वेक्स लेंस में बच्चों 6 केस पढ़ेंगे और इस वाले में आप 2 केस पढ़ेंगे। मतलब जो भी डाइवर्जिंग होगा उसके 2 केस और जो भी कन्वर्जिंग होगा उसके 6 केस पढ़ने हैं। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, मैं एक एक करके सारे केस करवा रहा हूं। आपने नोट कर लिया होगा बच्चों? ठीक है, तो शुरू करते हैं कन्वेक्स लेंस। शुरू कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस। हिंदी में भी आप समझ चुके हैं उत्तल लेंस। नाम क्या है इसका? कन्वर्जिंग लेंस। पहले लेंस के बारे में छोटी सी जानकारी है वो दे देता हूं कि ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। ये आप अच्छे से जानते हो, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक, और यहां पर आ गया है आपका ये सी पॉइंट। ठीक, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में प्रकाशतः, प्रकाशतः केंद्र। उसके बाद F1, 2F1, F2 और 2F2, इसे कहते हैं फोकस। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? फोकस। इसे भी कहते हैं क्या? फोकस। क्यों कहते हैं भाई दोनों को फोकस? क्योंकि क्योंकि हम दोनों में से किसी भी तरफ से मेरी लेंस में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, इसलिए इसके दोनों तरफ फोकस होता है।
इसके लिए इसके दोनों तरफ फोकस होता है। और भाई ये 2F1 क्या होता है, जो फोकस को मेंटेन करता है, ठीक है, ये भी एक तरह का फोकस ही होता है, बस के फोकस को मेंटेन करता है। तो इसलिए हमें दो फोकस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? दो फोकस की। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मेंटेन के साथ साथ आपको पता ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है एक तरह का, यहां पे रख के अगर करोगे तो ये पूरा सर्कल बना देगा, यहां पे रख के करोगे तो ये पूरा सर्कल बना देगा, ठीक है, एक तरह का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, ठीक। अब इसके केसेस पढ़ना शुरू करते हैं, पहले रूल पढ़ लेते हैं, है ना, पहले रूल पढ़ लेते हैं। रूल रूल नंबर फर्स्ट, वही पुराने घिसे पिटे रूल, F1 2F1 F2 2F2। मान लीजिए कोई रे भाई प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ गई, पैरेलल। तो पैरेलल आ गई तो ऑलवेज कहां से जाएगी, कहां से जाएगी भाई, फोकस से। तो ये है आपका F2 ऐसे। और एक बात याद रखना बच्चों, ध्यान से देखना इस फिगर को कि मैंने रे को कहां से मोड़ा है, जहां से ऑप्टिकल सेंटर है बिल्कुल डिट्टो वहीं से मोड़ दिया। कोई भी बच्चा ऐसे बिल्कुल भी काम ना करें कि भाई रे लेकर आया यहीं से मोड़ दिया, या रे लेकर आया अंदर से कहीं भी मोड़ दिया, फिर रे लेकर आया आगे बढ़ा दिया यहां से मोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ कहां से मोड़ना है, जो ऑप्टिकल सेंटर की लाइन है वहीं से ही मोड़ना है, वरना टीचर तुरंत नंबर काट देंगे। बाद में मत बोलना कि सर ये बात हमें पहले पता नहीं थी। रूल नंबर दो, F1 2F1 F2 2F2। मान लीजिए अब की बार रे इस फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही, तो टकरा के आपको पता ही क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, सही बात है। रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री, तीन ही रूल है ये, सी F1 2F1 F2 और 2F2। भाई ये रे निकली यहां से रे पार, ठीक है। तो C से हमेशा जब भी रे जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चों, आर पार हो जाएगी। C से जब भी रे जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चों, आर पार हो जाएगी। तो ये तीन रूल हैं, ठीक है, इन तीन रूल्स को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और फिर हम इसी के बेस पर अब हम 6 केस पढ़ेंगे। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसे, वीडियो पॉज करके बस आपको नोट करना है। हाँ जी, अब क्या है, अब आपको पढ़ा रहे हैं हम केसेस। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड F1, जब वस्तु को सी और F1 के बीच रखा जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
ये सी हो गया, F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखने जा रहे हैं बच्चों हम? C और F1 के बीच में। मान लीजिए मैंने यहां पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा A और B। भाई ये यहाँ पे गया, ऐसे टकराया, और टकरा के आपको अच्छे से पता है कहाँ से जाएगा? F2 से जाएगा। कहाँ से जाएगा? F2 से जाएगा। तो भाई आपको हमेशा पता है कि एक रे जब भी किसी लेंस से टकराएगी या मिरर से टकराएगी तो फोकस से जाएगी, तो भाई फोकस से चली गई। दूसरी रे कहाँ से जाएगी? सी से जाएगी। किससे जाएगी? सी से। और आपको पता है ये सी से ऐसे गई, खत्म कहानी। लेकिन बच्चों अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो क्या आप कहीं से भी देख रहे हो ये मिलती हुई है? कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं बच्चों इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो ये मुझे बच्चों रिप्रेजेंट होती हुई दिखाई दे जाएगी। ये बच्चों मुझे क्या होती हुई दिखाई दे जाएगी? रिप्रेजेंट होती हुई दिखाई दे जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, बस ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये थोड़ा और पीछे मिलेगा क्योंकि 2F1 के पीछे मिलती है जहां तक मुझे याद है। और ये ऐसे नहीं, ऐसे 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 मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो बच्चों हमने देखा, हमने देखा हाँ जी, तो हमने देखा कि जब हमने सी ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में रखा तो भाई क्या बना, क्या बना भाई? हाँ जी, तो ये बना हमारे पास ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, आओ इसके इमेज के बारे में चर्चा करते हैं, प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात, हाँ भाई, किस तरफ बना? सेम साइड ऑफ लेंस। मतलब क्या? जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड पे बना, यानी सेम सेम साइड ऑफ लेंस। लेंस और बियॉन्ड किसके? बियॉन्ड 2F1 के। लेंस के सामने, लेंस के सामने, ठीक है, या लेंस के सामने की जगह सेम साइड ऑफ लेंस का मतलब क्या भाई? लेंस के एक तरफ, लेंस के एक तरफ यानी एक ही तरफ। ठीक है, और कहां? 2F1 के पीछे, 2F1 के पीछे। दूसरा कैसा बना देख रहे हो आप? ठीक है, लार्जर। ठीक है, कैसा बना भाई? एनलार्ज्ड मतलब बड़ा। ठीक है, एनलार्ज्ड, ठीक है, बहुत बड़ा। और आपको अच्छे से पता है भाई, आपको बच्चों अच्छे से पता है क्या
कि जब ये वापस पीछे आ रहा है, आगे कहीं मिल नहीं रहा है, रियल बना नहीं रहा है, तो पीछे आके मिल रहा है, डॉटेड बना रहा है, तो कैसा बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। कैसा बनाएगा? आभासी और कैसा बनाएगा बच्चों? सीधा। आभासी और सीधा, ठीक है। चलिए अब दूसरे फिगर, अब आते हैं केस नंबर सेकंड पर। किस पे आते हैं? केस नंबर सेकंड पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, जब वस्तु को F1 पर रखा जाए, F1 पर रखा जाए, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया आपका, सॉरी, यहां हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका 2F2, ठीक है बच्चों। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? फोकस पे रखा है। ये लीजिए भाई, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे, ए बी, तो एक रे ऐसे जाएगी और टकरा के फोकस से क्या होगी बच्चों? पास। दूसरी रे सी से जाएगी और क्या हो जाएगी भाई? आर पार। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने क्या देखा कि रे भाई सीधी चलेगी और कैसी हो रही है? पैरेलल हो रही है। इधर भी पैरेलल होगी, इधर भी पैरेलल होगी, मतलब दोनों तरफ से क्या होगी? पैरेलल। और बच्चों आपको अच्छे से पता है फोकस की कहानी क्या चल रही है और इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में क्या पॉइंट रखेंगे कि भाई पहली बात तो अदर साइड ऑफ लेंस, मतलब दूसरी साइड में, ठीक है, अदर साइड ऑफ लेंस, अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस, और साथ ही साथ आपको पता है कहां पे बनती है ये? हमेशा इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी। हिंदी वाले, लेंस की दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। दूसरा, ठीक है, कैसा बनेगा? हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, अत्याधिक बड़ा, और थर्ड, हां जी, लेंस की दूसरी तरफ बना है, तो लेंस की दूसरी तरफ जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। ठीक है जी, नोट करो बच्चों, इसको फटाफट नोट करो। नोट कीजिए, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट फिगर देखेंगे भाई। एक बार हमने रखा सी और एफ वन के बीच, और फिर हमने दोबारा रखा कहां पर? एफ वन पर, और अब हम कहां पर रखेंगे? 2F1 और F1 के बीच, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, यानी F1 और 2F1 के बीच, ठीक है। चलो भाई, किसके किसके बीच में रख रहे हैं हम? F1 और 2F1 के बीच। तो क्या, कहां पे बनेगा? ध्यान दे रहा,
हाँ जी सी, ये F1 हो गया हमारा, ये 2F1 हो गया हमारा, ये F2 हो गया हमारा, और ये 2F2 हो गया हमारा। हमने इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया भाई, ए और बी। ये रे गई, टकराई, और टकरा के बताई है इसी जगह से वापस। अब एक रे जाएगी कहां से बच्चों? सी से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और ये बनेगा कहां पे? ये बनेगा बच्चों ऐसे। हाँ जी कहां? तो ये सी से गई, सी से आर पर, और ये बन गया आपका ए डैश बी डैश। ठीक है जी। तो चलिए अब जरा इसके बारे में बता देते हैं बच्चों, अब जरा इसके बारे में बता देते हैं कि कैसा बनेगा। हाँ जी, तो इमेज के बारे में बता दो जरा फटाफट, जल्दी से बता देंगे बच्चों। ठीक है, क्या बनेगा? पहला, अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है, और कहां बनेगा? बियॉन्ड 2F2, 2F2 के परे, पीछे। ठीक है, यानी लेंस की दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ, और साथ में 2F2 से परे। दूसरा कैसा बनेगा? एनलार्ज्ड, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोल लो, एनलार्ज्ड। ठीक है, क्या भाई? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब क्या? वस्तु से बड़ा। तीसरा, हाँ जी साफ देख रहे हो, उल्टा नजर आ रहा है, लेंस की दूसरी तरफ बन रहा है, और लेंस की दूसरी तरफ हमेशा कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। कोई दिक्कत? कोई भी परेशानी नहीं। अब किसके बनेगा? अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना भाई? 2F1 पे रखेंगे, क्योंकि पहला हमने रखा C और F1 के बीच, फिर हमने रखा F1 पर, फिर हमने रखा 2F1 और F1 के बीच। अब हम रखेंगे किस पर? अब हम रखने वाले हैं बच्चों 2F1 पर। अब हम कहां रखने वाले हैं? 2F1 पर। ठीक है, सी F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। और अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा? 2F1 पर। किस पे होगा? 2F1 पर। तो लो जी, ए बी, ये रे गई ऐसे टकरा के F2 से। अब एक रे जाएगी ऐसे सी से, और आपको मैं सही बताऊं बच्चों, तो ये जो रे है ना, ये ठीक 2F2 के नीचे बनेगी। ठीक किसके नीचे बनेगी? 2F2 के नीचे बनेगी। तो मैं आपको उसी तरीके से मैनेज करके दिखाऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी मैं स्केल से तो कर नहीं रहा हूँ बच्चों, अभी मैं स्केल से तो कर नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मेरा मैनेज हो नहीं पा रहा है। लेकिन जब आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल 2F2 के नीचे बनेगा। बिल्कुल कहाँ बनेगा? 2F2 के नीचे। जैसे वो याद है, आपको याद होगा ये कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर में सी पे रखा था, ठीक सी के नीचे। तो इसी तरह जब 2F1 पे रखोगे तो ठीक 2F2 के ही नीचे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ठीक 2F2 के नीचे ही बनेगा। ठीक है बच्चों, और क्या होगा इसके इमेज की डिटेल जरा बता दो भाई फटाफट, प्रतिबिंब का। तो अगला, अदर साइड ऑफ लेंस तो है ही, और कहाँ बनेगा? एट 2F2, ठीक है, लेंस की दूसरी तरफ 2F2 पर। दूसरा कैसा बनेगा? हाँ बच्चों, जब वहां पे हमने सी पे रखा था तो सी के बराबर, यानी कि क्या था? ऑब्जेक्ट के बराबर ही था। तो इसका मतलब जब यहाँ पे 2F1 पे रखेंगे और 2F2 के ही नीचे बनेगा, तो क्या कहेंगे? इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, और थर्ड आपको पता ही है कि भाई तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टा ही बन रहा है और लेंस की दूसरी साइड में भी बन रहा है। ठीक है, करो फिर लास्ट दो केस, और इसको नोट करो बच्चों, वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको नोट करो फटाफट। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब केस नंबर क्या है भाई? 5। केस नंबर 5, वीडियो पॉज कर करके उतारते जाओ बस।
केस नंबर पांच। हाँ जी, केस नंबर पांच में क्या है भाई, टू एफ टू वन, ये सी और एफ वन भी हो गया, एफ वन भी हो गया, इन दोनों के बीच भी हो गया, टू एफ वन पे भी हो गया, तो अब क्या करेंगे, बियॉन्ड टू एफ वन, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड बियॉन्ड टू एफ वन, जब वस्तु को टू एफ वन के परे रखा जाए, टू एफ वन के परे रखा जाए, पीछे रखा जाए, पीछे रखा जाए, ठीक है जी। चलो तो कैसा बनेगा, ये C हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, मैंने इसके पीछे यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये हो गया A, ये हो गया B, ये गई रे, टकराई, टकरा के क्या F2, टकरा के क्या F2, अब जाएगी एक रे कहां से, C से, और ये C से जाके ये कट गई भाई, ऐसे कहां पे कटी, यहां पे कटी, कैसे कटी, इनके नीचे, ये तो ये हो गया आपका A डैश, ये हो गया आपका B डैश। हाँ भाई, इमेज के बारे में जल्दी से बता दो फटाफट, क्या बनेगी इसकी इमेज। हाँ जी, तो पहला, हाँ जी पहला क्या है कि भाई अदर साइड ऑफ लेंस, ये तो बोलोगे ही, लेकिन कहां बनेगा, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, लेंस की दूसरी तरफ, लेकिन कहां पर, F2 और 2F2 के बीच, यहां पे बनेगी, ये बात तो दिखाई दे रही है। दूसरा कैसा बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा। और तीसरी बात कि भाई लेंस की दूसरी तरफ बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और इसी के साथ लास्ट लास्ट केस, सिक्स्थ केस, फिर ये भी खत्म, फिर लेंस का हम क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अब कहां पे आएगा, इंफिनिटी, ठीक है, अनंत पर, अब कहां रखने जा रहे हैं, अनंत पर, और केस नंबर है छे, ठीक है। चलिए लास्ट, ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये रहा F2, ये रहा 2F2, हां जी, कहां से आ रही है रे, इंफिनिटी से, कहां से आ रही है रे, इंफिनिटी से, और रे आके कहां पे मुड़ के जाके टकराएगी, F2, कहां पे जाके मुड़ के टकराएगी, F2, और ये हो गया आपका भाई इमेज। और आपको पता ही है इमेज कहां बनती है, जहां पे दो रे आपस में टकराए, जहां भी दो रे आपस में टकराएगी वहां इमेज बन जाएगी। तो बस भाई, इमेज प्रतिबिंब के बारे में पता लगाएंगे, पहला कहां बनेगा, अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस की दूसरी तरफ एट F2, लेंस की दूसरी तरफ F2 पर, कितनी, कहां पर, F2 पर, ठीक है। सेकंड कैसा बनेगा, पॉइंट साइज, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज, बिंदु आकार। और थर्ड कैसा बनेगा, आपको पता है लेंस की दूसरी तरफ बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और आप फिर से नोटिस कीजिए कि इस कन्वेक्स लेंस में पांच केस रियल इन्वर्टेड के बने, जबकि एक ही केस वर्चुअल और इरेक्ट का बना, ठीक है बच्चों। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोगों ने जो फिगर बनाई है वो हमारे पीछे पढ़े हुए टॉपिक के ही ऊपर बेस्ड था, और हमें बस थोड़े से नॉलेज की बात चाहिए, नॉलेज चाहिए, जिस उसके बाद हम ये सारे रे डायग्राम्स बड़े आराम से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये रे डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ, इन सबको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगा। चलिए बाय।